एक जमात जमा इस्लामी आप देखिए उनके नौजवान लोग कुरान सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, एक आयत नहीं पढ़ पाते, कुरान की तफसीरें करते हैं। तब श्रोता बाकायदा घरों में लोग कुरान की तफसीर करते हैं और एक आयत का माना मतलब नहीं समझते, तफसीर मुकाम के सामने है उसी से ले दे करके उनकी पहुँच वहीं तक है, अबुल्ला मौजूदी तक, बस उसके आगे उनकी पहुँच नहीं है। वही से किताब वही किताब ले करके लोगों के सामने बयान करेंगे और आप अगर इतराज़ कर दिया अबुल्ला मौजूदी पर नाराज़ हो जाएंगे। साहबा पर इतराज़ कीजिए उनको गवारा है, मुआविया पर इतराज़ कीजिए, अमर बिनास पर इतराज़ कीजिए, उस्मान बिन अफ़ान पर इतराज़ कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन अबुल्ला मौजूदी पर एक जुमला लिख दीजिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। वो है कि उनको मासूम समझते हैं अबुल्ला मौजूदी साहब, उनसे गलती ही नहीं हुई। आप उनके ऑफिस में जाइए, उनके ऑफिसों में कुरान की आयत कहीं मिलेगी और अबुल्ला मौजूदी साहब के अखबार मिलेगी। बस मैं गया हूँ यहाँ जुमेल के अंदर जमात इस्लामी के जो क्या नाम है अमीर थे मरतबा ताज़ियत के लिए, तो देखा अबुल्ला मौजूदी साहब के अखबार दीवार पर लिख करके लगाए हुए हैं। जी हाँ, इस कदर तासुब, इस कदर उनके ताल्लुक से पाया जाता है। साहब आप एतराज़ कीजिए, कोई मसा नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जी हाँ, लेकिन उन पर एतराज़ कर देंगे अबुल्ला मौजूदी साहब पर तो खलास, गोया कि आपने कुफ्र कर लिया, नौज़ बिल्ला, गोया कि आपने सबसे बड़ा जुर्म कर लिया। तो ये चीज़ है। तो ये मेरे भाइयों कुरान और हदीस कैसे समझेंगे हम कुरान और हदीस को, जैसे साहबा ने समझा, सलफ सालेहीन ने समझा, ताबईन ने समझा, हमारे नबी ने समझा, उसके मुताबिक समझना हमें। ये नहीं कि हम एक नई सोच पैदा नहीं करें और नए तरीके से कुरान हदीस को समझें, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये हराम और गुमराही है। लिहाजा अल्लाह ताला की एक जमात है हिजबुल्लाह, उसी हिजबुल्लाह की तरफ दावत देना है और उसी हिजबुल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है। क्यों? अला इन्ना हिजबुल्लाह हुम मुफ्लिहून, क्योंकि जो हिजबुल्लाह वही कामयाब जमात है, वही कामयाब जमात है, कामयाब आने वाली जमात वही है हिजबुल्लाह, जो जो है अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले, सहाबा-ए-किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले, उन्हीं के लिए कामयाबी है और किसी और दूसरी जमात के लिए कामयाबी नहीं।